हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंगलवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एसडीएम कार्यालय के आगे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आसुराम मेघवाल, नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में बड़ी बिजली दरों को कम करने की मांग की। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के आगे जमकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में बड़ी बिजली की दरों को कम करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता के सामने एक नारा दिया था, अब होगा न्याय। आज 20 महीने बाद हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस सरकार के मुख्य राजस्थान की 8 करोड़ जनता सीकर खून के आंसू रोकर पूछ रही है कि कब होगा न्याय। लेकिन न्याय करने की जगह राजस्थान की गहलोत सरकार पानी पी पी कर गरीब विरोधी निर्णय करके लोकसभा चुनाव की हार का जनता से बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस में बिजली की पीसीआर बढ़ाते हुए बिजली के बिल और बीज खाद में किसानों को खून के आंसू रुला दिया है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि किसानों की खरीफ फसल की गिरदावरी करवाई जाए और 10,000 रुपए तक का मुआवजा प्रत्येक किसान को दिया जाए। सरकार फसल कीटनाशक दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाए। कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट की बढ़ोतरी करके कोर्ट में खाज का काम किया है। बीजेपी के शासन काल में पेट्रोल पर 26% रेट था, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इसको बढ़ाकर 38 एवं डीजल में 18% से बढ़ाकर 28 कर दिया है। साथ ही रोड सेस 50 पैसे की बढ़ोतरी भी की है। पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वेट राजस्थान में है। राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जनता बेहाल है, बिजली के बिल उन्हें मार रहे हैं, पेट्रोल में बढ़ा हुआ वेट हर किसी कमर तोड़ रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल के दाम कम है हमसे 10 रुपये लगभग, और हम 10 रुपये अधिक वहन कर रहे हैं। टिड्डियों के हमले हो रहे हैं और राज्य सरकार उसको रोकने में और विफल रही है। आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे हालात में उस सरकार जो सोई हुई है उसे जगाने का हम प्रयास करने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज हमने बाड़मेर शहर मंडल के नाते एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और हमारी मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक हमने पहुंचाई। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।